राधे राधे, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट डच केक। तो उसके लिए हमें कनाश की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम उसकी कनाश बनाएंगे। आइए जी, मैंने कंपाउंड चॉकलेट ले ली है और उसको हमने पहले निकाल के रख देते हैं सिर्फ फ्रिज से, ताकि हमें ये बारीक बारीक चॉप करने में इजी हो जाए। तो मैंने इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है और अमूल की फ्रेश क्रीम जो आती है उसको मैंने, जैसे अगर ये हमारी 400 ग्राम है तो ये मेरी जो है 200 ग्राम क्रीम है। वो इसमें 2:1 का रेशियो होता है कनाश बनाने के लिए। तो मेरी 200 ग्राम ये क्रीम है, अमूल की फ्रेश क्रीम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पानी पतीले में गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे और इसके ऊपर हम अपना ऐसे बाउल चढ़ा देंगे और इसको इस तरीके से चढ़ाएंगे कि पानी से टच ना हो, सिर्फ इसकी स्टीम इस पे लगे। तो अब जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये क्रीम डाल देंगे। इसको क्रीम को हम गर्म कर लेंगे पहले अच्छे से। देखिए, हमें इसको क्रीम को ओवर कुक भी नहीं करना है, बस एक मिनट में ये गर्म हो जाती है। अब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे। ये चॉकलेट को हम इसमें आराम आराम से डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, चलाते रहें बस आप इसे। ये देखिए, ये हमारी ये कनाश बनके तैयार है। आपको कभी भी चॉकलेट केक बनाना है तो आप इस तरीके से कनाश बना के, बस क्या होता है इसको बना, अब हमने मिक्स कर लिया, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अब इसको हमें पलट के हम इसको फ्रिज में रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए। कम से कम हमें इसे आधे पौने घंटे के लिए पहले हमें फ्रिज में रखना होगा, तब हम इसके केक के ऊपर यूज करेंगे। देखिए, ये हमारा स्पॉन्ज हमने बना लिया है। स्पॉन्ज का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने पाइनएप्पल वाले केक में डाल चुकी हूँ, जो मैंने प्रीमेक्स से बनाया है। फिर भी मैं एक अलग से इसका स्पॉन्ज का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज फिलहाल हम डच चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है हम वो करते हैं। आइए, सबसे पहले हम इसके तीन लेयर काटेंगे। तो तीन लेयर काटने के लिए हम इसमें इस तरीके से पहले मार्क कर लेते हैं, 1, 2 and 3। अब हम इन्हीं मार्क्स को थोड़ा सा और आगे ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। ऐसे कट कर लिया है। अब मैं इसके जहां से हमने कट किया है वहां पे हम थ्रेड डालेंगे। बाहर आ गया, ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है हमारे केक की। और इसकी हमने ऐसे हम करके इसकी तीन लेयर हम कट कर लेंगे। एक हमने कट कर ली, इसी तरीके से हम बाकी की दो भी निकालेंगे। ये देखिए, हमने इसकी तीन लेयर कट कर ली है। पहले 2 कप क्रीम को अच्छे से हमने व्हिप कर लिया है, देखिए। ठीक है, अब हम इसमें, हमें ये डच चॉकलेट बनाना है तो हमने जो कनाश रखी थी फ्रीज में उसमें से हम 1 चम्मच इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे और इसको फिर हम हल्का सा और हम इसे मशीन से थोड़ा सा अच्छे से व्हिप कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रीम तैयार हुई है। देखिए, इसे हमें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हम जो हमने ये लेयर काटी थी इसको अब हम पहले वाटर से हम अच्छे से सोक करेंगे। ये चॉकलेट स्पॉन्ज होता है तो ये पानी ज़्यादा पिएगा, इसलिए हम इसको अच्छे से सोक करेंगे, नहीं तो हमारा केक ड्राई हो जाएगा। हम अच्छे से इसके ऊपर पिला लेंगे।
उसके ऊपर हम थोड़ी सी ये कनाच डाल लेंगे। और इसको भी हम फैला देंगे। अब अगर आपके पास चॉकलेट आप ग्रेट करके डालना चाहें या चोको चिप्स हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर जो ऊपर वाली लेयर होती है केक की उसको लगाएंगे। इसको भी हम सोक कर लेंगे। और हम इसको साइड से जो इसके गैप है उन्हें हम फिल करते रहेंगे। इसके हम बाद हम फिर से हम इसकी लेयर लगा देंगे। इसी तरीके से हम इस लेयर को भी सेट कर लेंगे। इसके ऊपर फिर हम एक लेयर कनाच के डालेंगे। और अब हम इसकी ये टॉप लेयर कर देंगे। अब इसकी इस साइड को भी हम बीच में से इसको भर देंगे। अब हम इसकी टॉप लेयर को भी सोक कर लेंगे। इसको हम अच्छे से एक बार फेंट लेंगे। और अब हम इसको ऊपर टॉप लेयर कि चॉकलेट डस्ट केक में एक बार हम क्रम्बल कोटिंग करते हैं ताकि इसके जो क्रम्स निकल के वो क्रीम में बार बार ना लगे। तो हमारा ये हमने क्रम्बल कोटिंग कर दिया। अब हम इसे पानी के लिए सिर्फ फ्रीज में रख देंगे। अब हम यहाँ साइड से इसकी क्रीम लगाएंगे। ऊपर से भी अच्छे से हम इसे जो पेन वाला होता है इससे एक बार हल्का सा ऐसे राउंड ले लेंगे। इसे टच करके ही करेंगे।
और अब हम जो हमारे पास ऐसी कॉम वाला होता है उससे हम साइड में डिजाइन डालने के लिए इस कॉम से हम इसको ऐसे लगा के बस लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा टच करना है। अब हम इसे बोर्ड पे उतार लेंगे, हमने इसे बोर्ड पे उतार लिया। अब धीरे से इसके ऊपर रख के और हम आराम से नाइफ निकाल लेंगे। जो कनाश हमारी और एक्स्ट्रा बच गई थी हमने उसे डबल पन्नी में, जो कीप आती है ऐसी डबल कीप में, हमने इसको नोजल लगा के और हमने इसको डाले, मैंने नोजल ये वाली लगाई है राउंड वाली, ठीक है, लगा के अब हम इसके ऊपर डिजाइन डालेंगे। कि जो हमारा थोड़े से खाली रह जाता पोर्शन उसको भी हम ऐसे स्टार से हल्के हल्के से बना के उससे हमने फिल कर दिया। एक एक हम फ्लावर बीच में डाल देंगे। अब हमारा जो साइड में नीचे है वहाँ पे भी हम हल्के हल्के से फ्लावर डाल देंगे। इसकी आउटिंग कर दी, उन छोटे छोटे से फ्लावर यहाँ पे डाल देंगे, छोटे छोटे से। ये देखिए अब हम सिल्वर बॉल्स आएंगे मेरे पास, इससे अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। देखिए ये हमारा चॉकलेट डच केक बनके तैयार है। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ और भी गार्निशिंग कर सकते हैं, मल्टी कलर से कर सकते हैं। देखिए हमने बनाया है चॉकलेट डच केक, तो आप भी मेरे तरीके से बनाइए और कोशिश कीजिए बन जाएगा आपसे, और बनाइए आप भी बताइए कैसा लगा आपको। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।